बहुत समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और मुझे मेरी डेब्यू फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है, प्रॉमिसिंग डेब्यू एक्टिंग में मुझे अवार्ड मिल रहा है जहाँ मेरा तमिल में डेब्यू हो रहा है, सो आई थिंक उसके लिए मुझे नॉमिनेट किया। आई एम प्लेइंग नागिन इन इट, सो मेरा कैरेक्टर नागिन का है और नागिन प्ले कर रही हूँ मैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आजकल फिल्मों में नागिन प्ले करने के लिए इतनी इजीली मिलता नहीं है, सो आई थिंक आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। तो आपको क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा नागिन का रोल प्ले करने? अभी तक नागिन फील हो रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस रहा, आई मीन लाइक अमेजिंग। आपके आके भी वैसे ही लग रही है। थैंक यू। तो हम कहना चाहेंगे आपका एक और मूवी आने वाला है हर्षद बाशी के साथ, जी वो नवंबर 3rd वीक में देखने के लिए मिलेगा। मूवी का नाम है रोटी कपड़ा एंड रोमांस एंड इट इज़ कमिंग। आई एम डूइंग रोमांस विद हर्षद वारसी एंड चंकी पांडे, बोथ ऑफ देम, सो यस आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट आल्सो। यस, नागिन का डसने के बाद मैं कहीं और जंप करने वाली हूँ। मुझे डार्क क्लाउड कलर्स बहुत पसंद है एंड जहाँ तक कंफर्ट जोन हो वहाँ पर मेरा फैशन शुरू होता है और वहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, थैंक यू। हाय सर, हाय दीदा, आर यू देयर? आई एम स्टैंडिंग हियर। ओके ओके, हाय ऑल। मैं कैसा लग रहा है ये अवार्ड फंक्शन आगे जहाँ आपको फैशन और ग्लैम का दोनों का तड़का मिलने वाला है? ओ आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मैंने अभी स्टोरीज की रिपोस्ट की मेरे इंस्टाग्राम पे एंड इट्स रियली अमेजिंग, और मैंने सोचा कि थोड़ा उस टाइप के ही आज लेट मी बी ग्लैम टू, तो सेम वे में मैं भी आज आई हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। यस, सो येस यू आर राइट, एक्चुअली दिस इज़ अ बार्बी सीजन, ओके, एंड आई हैव सीन, मैं जनरली आई एम नॉट अ पिंक गर्ल बट आउट ऑफ द फ्लो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इस बार पिंक करे, लेकिन पिंक के साथ गोल्डन करते हैं, सो हमारा इंडियन लुक भी आ जाएगा, देसी तड़का भी लग जाएगा और ग्लैम लुक भी आ जाएगा। थैंक यू। बेस्ट स्टाइल डीवा के लिए नॉमिनेट किया गया है, सो फॉर दैट आई एम वेरी एक्साइटेड। सो या स्टाइल डीवा, स्टाइल इज माई लाइक स्टाइल आइकॉन आई थिंक माई सेल्फ एज अ ट्रेंड सेटर, सो उसके लिए नॉमिनेट किया है एंड आई विल बी अवार्डेड, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। फॉलो करते हैं
क्योंकि मैं ना लाइक ओकेशनली मैं फॉलो करती हूँ ओकेशन के हिसाब से, जो जैसे इवेंट होता है, जैसा माहौल होता है उसके हिसाब से. सो आज बेस्ट स्टाइलिश डिवा के लिए चूज़ किया गया है, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू गेट यू नो. एंड मैं सारी इंटरनेशनल स्टाइलिस्ट डिज़ाइनर्स को ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे अंदर थॉट्स आते ही रहते हैं कंटिन्यू. देयर आर सो मेनी डिज़ाइनर्स एक्चुअली. अभी तो फिलहाल वेब सीरीज आ रही है लाइक बोल्ट के ऊपर ही आ रहे हैं, बट ज़्यादा बोल्ट नहीं, थोड़ा बोल्ड एंड थोड़ा एक्टिंग ओरिएंटेड वैसा है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, व्हाट एवर वर्क आई एम डूइंग आई एम वेरी एक्साइटेड हैप्पी. लव बाइट्स, हाँ एक्चुअली उसके बारे में मैं यही बताऊंगी कि लेस्बियन और बाइसेक्सुअल पहले बहुत ज़्यादा उसको पॉइंट आउट करते थे, तो अभी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है. अदर सेक्स की तरह स्ट्रेट लोगों की तरह वो भी इंसान है, तो उन लोगों को भी अपनाना चाहिए समाज में. तो उसी के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है लव बाइट्स. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आओ मज़ा आएगा. हाँ मेरे को रोल प्ले करने में मेरे को अच्छा ही लगा, इट वॉज गुड. लेस्बियन कैरेक्टर था, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ऑफ कैमरा थी, बट ऑन कैमरा आई वॉज थिंकिंग कि आई वॉज प्लेइंग अ रोल, सो आई वॉज एग्जीक्यूटिंग अ कैरेक्टर, सो मुझे अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. आई थिंक जो लेट नाइट इवेंट्स होते हैं उसमें तो आई प्रिफर ब्लैक ओनली, एंड आई थिंक ब्लैक इज़ द न्यू ट्रेंड, कि कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा आई जस्ट गो विद द ब्लैक कलर. एग्जैक्टली मेरे हिसाब से, तो मेरे लिए तो इट वर्क्स. मुझे स्टाइल आइकन के लिए नॉमिनेट करा गया है आज, एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी बिकॉज यू नो इट्स ऑलवेज नाइस टू यू नो गेट टू नो कि अच्छा ओके आई एम ऑल्सो सेटिंग अ स्टाइल स्ट्रेट. आई थिंक आई वॉन्ट टेक दिस क्रेडिट, ये सारा क्रेडिट स्टाइलिस्ट को ही जाता है, बट वॉट आई फील इज कि कम्फर्ट इज़ द न्यू स्टाइल, यू नो बस यू शुड जस्ट फील कम्फर्टेबल इन वॉट एवर यू वेयर एंड इट विल ऑफ कोर्स लुक गुड. वेब तो मैंने अभी करा है, अभी मेरी फिल्म आई है MX प्योर पे, तो अभी कुछ और आ रहे हैं लाइक अभी एक नया सॉन्ग आ रहा है जिसका शूट लंदन में हुआ है और अभी मुंबई में शूट होना है हमारा. एंड या मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में बट अभी नहीं बता सकती हूँ मैं. या ओके थैंक यू सो मच.
आज इन्होंने मुझे नॉमिनेट किया हुआ है यंगेस्ट ग्लैमरस दिवा के लिए, सो आई एम रियली थैंकफुल कि इन्होंने मुझे रिकग्नाइज किया इस चीज़ के लिए. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. आपको सुपर स्टार दिवा अवार्ड भी मिल चुका है 2023 में, मोस्ट वुमेन आइकॉनिक अवार्ड. तो इस बार भी आपको स्टाइलिश के लिए अवार्ड मिल रहा है, तो आप अपने स्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपके भी फैंस हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपके फैशन को फॉलो फैशन मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वही फैशन होता है. द वे यू कैरी आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फिर वो साड़ी हो, ड्रेस हो, सलवार कुर्ता हो, एनी थिंग, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कम्फर्टनेस इज द की. जैसे कि आपका अभी जो सीरियल आ रहा है काव्यांजलि, काफी पॉपुलर है, तो उसके बारे में क्या कहेंगी, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? काव्यांजलि में तो मैं विलेन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, दैट यू नो सबको ये पता है. और अभी तो फिलहाल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ड्रामा तो हो ही रहा है. आप इसके पहले जब आपको काव्यांजलि नहीं मिला था, लेकिन आप उसको बोल रहे थे कि आपको अभी टीवी शो से ब्रेक लेना है, लेकिन फिर भी ये आपको मिला और आप खुद को रोक नहीं पाए, ऐसा आपने कहा था. या क्या दिखा ऐसा अलग काव्यांजलि में कि आप खुद को रोक नहीं पाए, आप फिर से टीवी शो में? टीवी एक ऐसा मीडियम है ना जहाँ से आपको रिच और लोगों का प्यार बहुत जल्दी से मिल जाता है. और बहुत सारे लोग मुझे हमेशा पूछते थे कि यार मैम आप कब टीवी करोगी और कब वापस हम आपको देखेंगे, क्योंकि आई थिंक 3 या 4 साल बाद मैं टीवी कर रही थी. और प्रोडक्शन अच्छा है श्रावणी देवधर जी का पर्पल मॉर्निंग्स, और रोल अच्छा था, क्योंकि ये जो शो है वो कनाडा में जिसका TRP वॉज 7.88 भाग्यलक्ष्मी. सो मैंने कहा कि यार चलो ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू यार, एक्सप्लोर. सक्सेस तो सबको अच्छा लगता है. आई थिंक ये काम ही है तुम्हारा जो आपको लोगों तक पहुंचाता है, और आपके काम की वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, और लोगों की वजह से आप बड़े ही बनते हो. अदरवाइज मतलब वो नहीं होगे तो आप बड़े नहीं बनोगे. जहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, अच्छा किरदार आए, अच्छी अच्छा डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिले, तो व्हाई नॉट, आई रियली वुड लाइक टू गो फॉर दैट. अगर रियलिटी शो की बात करें तो आपका कौन सा रियलिटी शो? रियलिटी शो एक तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं बहुत कम देखती हूँ, लेकिन सबको पता है कि बिग बॉस के बारे में तो हर जगह पर चर्चे होते ही रहते हैं, चाहे वो OTT हो या फिर तो बिग बॉस. नहीं इस बार क्योंकि टेलीविजन चल रहा था तो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा शूट चल रहा था तो मौका नहीं मिला. मेरे
स्टाइलिस्ट है नक्षत्रा, सो वो हमेशा डिसाइड करती है कि मुझे क्या पहनना है, मेकअप क्या होगा, हेयर क्या होगा. तो ये सारी नक्षत्रा और मेरी मेकअप आर्टिस्ट नैना, सो नैना के नैना नैना ने बनाए हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. First of all, I will thank you for everyone and thank you for you guys. You are coming here to capture me. तो मुझे यहाँ पे जो है फैशन आइकॉन का अवॉर्ड दिया जा रहा है. I hope वो सूट भी होता होगा. सूट भी काफी अच्छा लग रहा है आपका, तो आज लुक आपने वेयर किया है लाइक बार. ओह सो स्वीट. काफी खूबसूरत लग रहा है. तो आप इसको कैसे मेंटेन करते हैं? जस्ट अच्छा डाइट खाना है, रूटीन अच्छा रखना है आपका, मसाले कम करने हैं. इंडियन मसाले ज़्यादा होते हैं एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम अरब, सो आई ऑलवेज मेंटेन माय सेल्फ के हाँ चलो अगर एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो कम से कम आपका डाइट अच्छा होना चाहिए. अरब से आके आप इंडिया में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मदर टंग इंडियन है, तो मामा इंडिया से हैं, तो अच्छा लगता है कि अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ हर जगह में. मेरी एक साउथ मूवी आ रही है, बहुत जल्द आ रही है, अभी मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, सरप्राइज है, बट वेरी सून इज कमिंग. तो आप अरब से हैं लेकिन आप अब इंडियन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन साउथ इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, तो वो कितना डिफिकल्ट रहता है, कितना चैलेंजिंग है? डिफिकल्ट कुछ नहीं है, और देखा जाए तो डिफिकल्ट बहुत कुछ है. जैसे हम कहते हैं ना एक फैशन होता था, फैशन भी करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर जब आप सही में अगर अंदर से इच्छा है अगर कुछ करने की तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता है, और अगर आपका पैशन है आई डोंट थिंक सो वो डिफिकल्ट लगे फिर आपको. कभी कभी स्टार्टिंग में बहुत हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था, पीपल लाइक कॉलिंग मी जूनियर कैटरीना कैफ, देन आई लर्न एवरी डे हिंदी आई लर्न एंड जस्ट फाइनली आई एम जस्ट स्पीकिंग वेरी नाइस हिंदी. थैंक यू सो मच. नाइस टू मीट यू. स्टाइल आइकन के लिए नॉमिनेट किया गया है और मैं आया थोड़ा सा लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, तो उसके लिए सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल. तो देखते हैं अभी अवार्ड शो कैसा है. मैं सबसे ज़्यादा सच बोलेंगे तो कैरी करने आना चाहिए, तो मैं उतना ज़्यादा कोई पर्टिकुलर ब्रांड से अट्रैक्ट नहीं होता हूँ. मैं फिटनेस को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ. आप फिट रहोगे, अच्छे रहोगे, तो आप कुछ भी पहनोगे आपके ऊपर अच्छा लगेगा, तो फिटनेस को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ मैं. जैसे कि आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लोग आपके फैन हैं, काफ़ी पसंद करते हैं आपको, लेकिन अगर उसके उससे हटकर बोले तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना पसंद करेंगे? कोई मूवी आपकी आने वाली है? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है. फिलहाल अभी रिसेंटली मैंने जिम ओपन किया है और हमारा NGO भी है जिसका नाम है प्योर डीट्स, तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ कर रहे हैं, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह और भी आगे बहुत सारी चीज़ें करेंगे. बात करें अगर रियलिटी शो की, अगर आपको कोई रियलिटी शो ऑफर होता है तो क्या आप कौन से रियलिटी शो में जाना चाहेंगे? ऑडियंस जहाँ पे देखना चाहेगी वहाँ चले जाएंगे,
अभी उन लोगों की दुआ, उन लोगों के प्यार के वजह से आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे, तो जहां पे लोग चाहेंगे देखना वहां पे पहुंच जाएंगे हम। जैसे कि कुछ दिन पहले आप बिग बॉस सीरीज 2 के जो अभी फाइनली विनर है एडवी शादो, उनको आप काफी आप कंट्रोवर्सीज हुए थे, लेकिन अब वो जाके फिनाले में विनिंग हो चुके हैं, विनर बन चुके हैं, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप उससे उनसे मिले उनके विनिंग के बारे में? नहीं, मैं उससे उसको जानता नहीं हूँ पर्सनली, और कंट्रोवर्सीज तो होते रहती है। मैंने अपना पीओवी दिया था, देखो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू था। मेरी फ्रेंड थी मनीषा, मनीषा मेरी फेवरेट थी, तो बट ऑब्वियसली मैं मनीषा का नाम लूँगा, और सबके अपने अपने फेवरेट होते, तो मैं मेरे हिसाब से मुझे लगा मनीषा डिजर्विंग है, या तो उसके अलावा कोई मेल कंटेस्टेंट। तो अभिषेक की जर्नी बहुत अच्छी रही है फुकरा इंसान की, तो मुझे लग रहा था वो अब वो जीत गया तो अच्छी बात है। बस मैं यही दुआ करता हूँ और यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे वो पहले गंद मचाता था एल्विश, पहले सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म और हेट फैलाता था, अभी शायद उसको इस मुकाम का फेम मिल गया, तो शायद वो आगे ये सब चीज़ें ना करे। तो आप ऐसा कह सकते कि ऑडियंस, आप ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं ऑडियंस के वोट से या फिर जो वो विनिंग का खिताब जीते उससे? अभी जनता का प्यार है, देखो जनता जिसको बनाएगी वो विनर है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली सबका अपना फेवरेट, जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका है, सबका अपना फेवरेट होता है, तो आपका भी कोई फेवरेट होगा, वैसे मेरा को भी, मेरा भी ओपिनियन है, मेरा फेवरेट कोई और है, तो इस तरीके से देखेंगे। नहीं अभी तो फिलहाल तो नहीं मिला, पर मिलेंगे इंशाल्लाह पहुँच जाए। थैंक यू। Thank you.